कपिल गुप्ता नाम है सर हमारा। चीज की आपकी शॉप सर हमारा आर के साइबर कैफे के नाम से दुकान है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। है? 1 रुपए की सिक को लेकर के आपकी क्या समस्या? सर 1 रुपए का जो छोटा सिक्का है हम तो सभी कस्टमरों से ले भी रहे हैं दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ कस्टमर जो होते हैं वो छोटे सिक्के नहीं लेते हैं और लड़ाई भी करने लगते हैं कि हम ये छोटा सिक्का नहीं लेंगे, जबकि उन्हें लेना चाहिए। ये भारत की मुद्रा है, सभी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। 10 रुपए के सिक्कों को लेकर के क्या दस समस्या रुपए है? के सिक्के सर लगभग सभी चल रहे हैं, जिन सिक्कों में रा नहीं बना हुआ है वो सिक्के लोग नहीं ले रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। 10 रुपए के सिक्के में भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। इससे इसकी किसी से शिकायत की आपने प्रशासन में या कहीं पर इससे की? सर एक दो बार हमने 100 नंबर कंट्रोल पर डायलिंग करी, पुलिस आई, लेकिन जब तक वो आती है कस्टमर जा चुका होता है। तो लेकिन अब इससे है कि अब हम कस्टमर देखें, दुकानदारी देखें। क्या नाम है सर आपका? मैं पुष्पेंद्र हूँ, किस बैंक से आप मैं स्टेट मैनेजर हैं? बैंक खदरा में ब्रांच मैनेजर हूँ। सर 1 रुपये का सिक्का और 10 रुपये के सिक्कों को लेकर के जो मार्केट में उथल पुथल चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे यही कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो भी सिक्के जारी किए हैं 1, 2, 5 एवं 10, ये सभी तरह से वैध हैं, वैध भारतीय मुद्रा हैं और इसको लेन देन के लिए ही जारी किया गया है। जो छोटा वाला सिक्का है वो मार्केट में लोग नहीं ले रहे, ऐसा कह रहे हैं कि बैंकों ने बंद कर रखा है। नहीं, बैंकों ने बंद नहीं कर रखा है, बैंकों के माध्यम से जनता को ये वितरित किए गए थे कि जनता इसका जो है लाभ उठाए, और ये पूरी तरह से वैध मुद्रा है। मतलब आपके कहने के तात्पर्य है जितने भी प्रकार के सिक्के हैं सभी चल रहे हैं? जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो भी मुद्रा जारी किए हैं वो चल रहे हैं, और इसकी विस्तृत जानकारी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।